राम राम सर, नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आइए दोस्तों, आज की इस फैक्ट की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के विजय स्तंभ। ये हमारी फैक्ट के आधार पर होने वाली पहली प्रथम क्लास है दोस्तों, और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी होने वाली पहली क्लास है। हालांकि जो प्रश्नोत्तरी की क्लास है वो रात्रि को 9 बजे देने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के विजय स्तंभ, जो प्रमुख विजय स्तंभ हुए हैं राजस्थान में, किस जगह है, किसके उपलक्ष्य में है, तो किसने बनवाए थे। इस प्रकार के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ ये आखिर है क्या और किसने मतलब किस प्रकार से इसकी जरूरत रही। देखिए, जिस भी शासक ने या जिस भी व्यक्ति ने या किसी सरकार ने या किसी संगठन ने या समूह ने जो भी किसी युद्ध की या फिर किसी भी प्रकार की विजय की उपलक्ष्य में निर्मित की गई निर्मित धरोहर को ही आप विजय स्तंभ का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चीज याद रखेंगे इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि भी पहला विजय स्तंभ, ठीक है, तो एक सेकंड, हाँ, तो पहला विजय स्तंभ राजस्थान का, मैं आपसे सवाल करूं कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है, तो देखिए राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है, तो ये आपको दोस्तों ध्यान होना चाहिए। राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो है बयाना में, और बयाना आपके पड़ता है भरतपुर में। बयाना कहाँ में पड़ता है? भरतपुर में। और इसका निर्माण किसके समय हुआ था, ऐसा सवाल बने तो आप कहेंगे सर समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय का ये है। तो आपने इस चीज को नोट कर लिया है अगर अपनी कॉपी में तो और भी बेहतर। में विजय स्तंभ जो भी है ना राजस्थान के विजय स्तंभ, वो सारे विजय स्तंभ के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई दोहराए नहीं इसमें। और नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान में मुख्य जो विजय स्तंभ है, राजस्थान का चित्तौड़ विजय स्तंभ लिख दो आप, चित्तौड़ राजस्थान में लिख दीजिए आप, या फिर यूं कर लो कि चित्तौड़ का विजय स्तंभ, ठीक है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ। इसकी हम बात करें दोस्तों तो इसको राजस्थान का दूसरा, एक तो दूसरा विजय स्तंभ कहा जाता है राजस्थान का, ठीक है, और इसको आप यूं भी कह सकते हैं सबसे बड़ा विजय स्तंभ। और इसके बारे में बात करें दोस्तों कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में बना है ये सवाल, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया। किसके उपलक्ष में करवाया, उपलक्ष की बात करें दोस्तों तो सहारनपुर का युद्ध हुआ था महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य, तो ये 1437 में हुआ था सहारनपुर युद्ध में, सहारनपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष में, सहारनपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष में जो है इसका निर्माण हुआ, विजय के उपलक्ष में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है साथ साथ में, और एक सेकेंड है ना, हाँ ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि महमूद खिलजी और ये युद्ध जो है महमूद खिलजी और खिलजी वह महाराणा कुंभा के मध्य हुआ था, कुंभा के मध्य, और विजय किसकी हुई थी, कुंभा की विजय हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दूसरा भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा विजय स्तंभ भी कह सकते हैं। और निर्माण की बात करें, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, और हम ये भी बात कर सकते हैं, और इसमें साथ साथ में ये भी आप याद रखेंगे, मैं स्लाइड दूसरी ले लेता हूं यहां पे,
आप लिखेंगे कि निर्माण इसका। देखिए दोस्तों, निर्माण की बात करें 1440 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1448 तक इसका निर्माण चला था। तो 1440 से लेकर 1448 तक इसके शिल्पी की बात करें दोस्तों, इसके शिल्पी कौन रहे थे, तो ये भी आपको याद रखना है, नापा पेमा पूंजा, ठीक है, और नापा पेमा पूंजा और एक और है जिनका नाम था जैता। नापा पेमा पूंजा और पेमा पूंजा और जैता। अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी जो है हाइट कितनी है, ऊंचाई, ऊंचाई आपकी 122 फीट और कितने मंजिला है, तो याद रखना 9 मंजिला है। और इसकी जो आकाशीय बिजली की वजह से सबसे ऊपरी जो मंजिल है वो गिर गई थी और क्षतिग्रस्त भी हो गई थी, तो उसका निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह ने। ये आप अगर याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो ये चीज आपको जरूर याद रखना है। और इसमें ये भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है और हिंदू देवी देवताओं का इसे स्तंभ भी कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं का स्तंभ कह लीजिए आप, और भी काफी सारे नाम आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। यूं तो अगर हम विजय स्तंभ को अलग स्पेशली पढ़े इसको चित्तौड़ वाले को तो भी कम पड़ेगी वैसे, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका रहेगा परमारकालीन विजय स्तंभ। तो देखिए दोस्तों, परमारकालीन विजय स्तंभ जो है ये कहां पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये सवाल एग्जाम में मेरे ख्याल से पूछा भी गया है, जालोर किले में है परमारकालीन, जालोर किले में स्थित है परमारकालीन विजय स्तंभ, ठीक है। अब आपसे बात करूं वहीं की 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ कहां पर है, 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ कहां पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आउआ पाली में है दोस्तों, कहां पे है, आउआ पाली में। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए परमारकालीन विजय स्तंभ जालोर किले में स्थित है, तो 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ आउआ पाली में है, ठीक है। और आप सभी को बताएगा आउआ उस समय की चंपावतों की रियासत थी और चंपावत के ठाकुर थे कुशाल सिंह, और उन्होंने आउआ से बागडोर संभाली थी 1857 की क्रांति में, और 1857 की क्रांति की देवी आप सभी को बताए सुगाली माता। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट आपका आ जाता है तनोट विजय स्तंभ। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि ये विजय स्तंभ जो है तनोट माता मंदिर परिसर में, तनोट माता मंदिर परिसर में बना हुआ है और ये 1965 की पाक विजय पर या विजय के उपलक्ष में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये दोस्तों जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ के बारे में जो भी जानकारी थी वो हमने यहाँ पे प्राप्त करी है। और एक जो विजय स्तंभ है वो हमारा रह जाता है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, हाँ अब ठीक है। तो एक विजय स्तंभ जो रह जाता है ये तनोट विजय स्तंभ है। वैसे आप सभी को बताए दोस्तों, तनोट माता का मंदिर, जिन्हें रूमाल वाली देवी भी कहा जाता है, जिन्हें बीएसएफ के जवानों की देवी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और तनोट माता औड़ माता का ही वैसे स्वरूप माना जाता है, और इन्हीं माता के मंदिर के पास में घंटियाली माता का मंदिर भी है। खैर ये चीजें अपन कला संस्कृति में पढ़ेंगे बेशक, लेकिन एक सवाल और बनता है आपके लिए, वो है गुर्जर प्रतिहार कालीन, गुर्जर प्रतिहार
प्रतिहार कालीन विजय स्तंभ। दोस्तों इसके संदर्भ में पूर्ण रूप से उल्लेख तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो विजय स्तंभ है ये आपके मंडोर में स्थित है। पूर्ण उल्लेख नहीं है कि इसका निर्माण किसने करवाया या कब करवाया, ये उल्लेख नहीं है। मंडोर, मंडोर आप सभी को बताएं जोधपुर में है, तो ये बात आपको मुख्य रूप से याद रखनी है, ठीक है। हालांकि मंडोर की, मंडोर जो है राजधानी हुआ करती थी प्रतिहारों की, गुर्जर प्रतिहारों की, ये तो आप सभी को मालूम है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण फैक्ट के माध्यम से हमारी जो क्लास हुई है दोस्तों, ठीक है, ये हुई है अपने, ये देखे सारे, ठीक है। तो इस प्रकार की फैक्ट की क्लास भी हमारी रहेगी डेली मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, और रात के समय हमारी रहेगी। मैं आपके लिए यहां पे थोड़ा बता दूं दोस्तों, देखिए मॉर्निंग नौ बजे फैक्ट की क्लास, फैक्ट जी के लिख देता हूं भैया, है ना, फैक्ट जी के, और इवनिंग नौ बजे आपके लिए रहेगी राजस्थान जी के प्रश्नोत्तरी, राजस्थान जी के प्रश्नोत्तरी जो एमसीक्यू बेस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप नोट कर लेना, और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ये फ्री क्लासेस रहेगी, किसी भी प्रकार का आपके लिए शुल्क नहीं रहेगा, फ्री क्लासेस, और इसी की आपको पीडीएफ मिलती रहेगी दोस्तों। कहां पे ये पीडीएफ मिलेगी आपको? राजस्थान 360, राजस्थान 360 एप्लीकेशन पे, या आपके एप्लीकेशन है भैया, ऐप है जैसे कहते हैं आप, है ना, ऐप है, या फिर आपको मिलेगी ये पीडीएफ गूगल पर जाते हैं आप और अगर टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेस तो आपको अपनी अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, तो वेबसाइट पर भी इसकी आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पहली क्लास थी और मैंने शॉर्ट शॉर्ट में बताना चाहा कि किस प्रकार से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो उम्मीद है आप कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे, अवगत कराएंगे कि सर इस प्रकार की जो है आपके दिक्कत भी है या फिर हमने ये चीजें जो है एडजस्ट करिए, लेकिन आगे से ऐसी गलती ना करें, यानी लाइटिंग वगैरह संसाधन से रिलेटेड कोई भी आपको अगर शिकायत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा।